शोभा आई हूं सर। ये लो श्री शिव को पकड़, उसको ना तुम दूध पिला देना पहले, फिर टाइम से सुला देना, ठीक है? ख्याल रखना इसका। क्या मैम साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कृषि मेरे बच्चे की तरह ही है, आप आराम से ऑफिस जाइए। चले हाँ। मैं बच्चा मैं मेरा बेटा हेलो। हाँ वो लोग गए, जल्दी आ। क्या रो रहा है तू, चुप कर। यार ऑफिस इतना जल्दी क्यों बुलाया, पता कितना काम था। रोहित तुम फिर से अपने मम्मी पापा का एनिवर्सरी भूल गए। अच्छा याद दिलाया यार, बट यार हम थोड़ा लेट भी तो जा सकते थे। अरे मुझे लगा हमें जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि तब ना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। तुम्हें तो पता ही है वो कृषिव को इतना मिस करते हैं और हमें टाइम भी नहीं मिलता, और अभी तो कृषिव को तैयार करने में ही आधा घंटा चला जाएगा। You're right. आज जल्दी जाते हैं, चलते हैं। मम्मी अगर कभी आपको बैंक से या कहीं से भी फोन आए और वो आपसे आपका ओटीपी मांगे तो कभी। शोभा मिंसा कृषिव का है मेम साहब वो। क्या मैं कुछ पूछ रही हूँ, कृषिव कहाँ है? मेम साहब वो कृषिव बाबा वो। शोभा क्या कृषिव बाबा, भाभी कुछ पूछ रही है, कहाँ है कृषिव? सब वो बाबा घर पर नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? वो मेम साहब वो। तू बता रही है, पुलिस को बुलाओ अभी। सब वो मैंने कृषिव बाबा को दिहाड़ी पर भिखारियों को दिया। दिहाड़ी पर दिया भिखारी? क्या बकवास कर रही है, कब दिया, क्या बोल रही तू? सब जब आप दोनों ऑफिस जाते हो तो मैंने कृषि बाबा को भिखारियों को दलाल को दे दिया। मेरे बच्चे को नशा करवाती है। सब आपको तो पता ही है, भिखारी बच्चों को सुलाने के लिए उन्हें नशा देते हैं। तू उस दलाल को फोन कर, अभी मेरे बच्चे को बुलवा, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम आ गए हैं, समझी? फोन कर। हेलो। हाँ वो यार बच्चे के मम्मी पापा आते ही होंगे, तू जल्दी से उसे लेकर आ जा। तेरा भी बहुत नाटक रहता है रे। चल दिया। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आ रहा है। You'll be fine, trust me. ये ले, पकड़। धंधे के टाइम पे खोटी कर दिया मेरे को। तू फंसा दिया मेरे को है? मेरे बच्चे को भिखारियों को देगा तू? हाँ? नहीं तो? हाँ? तेरे नशा करा के बच्चों को भिखारियों को देता? हाँ। करा के भीख मंगवा रहा है? पुलिस आएगी वो तुझे बताएगी, समझा तू? नहीं बाप, नहीं। खड़ा यहाँ पर। ये हॉरिफिक इंसिडेंट सच में कपल के साथ हुआ था बैंगलोर में, जहां उनकी हाउसमेड ने उनके 7 महीने के बच्चे को बेहोश करके भिखारियों को दे देती थी, वो भी रोज सिर्फ 100 रुपए के लिए। एंड मी बीइंग अ फादर ऑफ अ 4 मंथ ओल्ड बेबी, आई वाज टेरिफाइड टू हियर दिस। तो मैंने ये स्टोरी इसलिए शेयर किया आप लोगों के साथ कि अगर आप अपने बच्चे को अपनी हाउसमेट के भरोसे छोड़ के भी जाते हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट एक सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगवाइए घर में, ताकि आपको पता चल सके कि आपका बच्चा सेफ है कि नहीं। बिकॉज योर लिटिल वन सेफ्टी इज़ इन योर हैंड्स, सो ऑलवेज बी अवेयर। आई सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। हम ऐसी अवेयरनेस सेशंस बनाते रहेंगे, और अगर आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिसके साथ स्कैम हुआ हो,
तो आप ये स्कैम सीरियस नाम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस ग्रुप में स्कैम्स के बारे में पोस्ट कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को उस स्कैम के बारे में पता चल सके। सो सी यू इन द ग्रुप। थैंक यू।